ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स मेन क्रीमिया में है। क्रीमिया में है, ऐसा कितने स्टूडेंट होंगे यहाँ पे इंडियन? मिनिमम 2000 स्टूडेंट। बहुत वास्ट हिस्ट्री रह चुका है इस कॉलेज का, और यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोफेसर, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स ये सारे पास आउट हैं, यहीं के हैं। ये हॉस्टल सेफ्टी के इश्यू से बहुत अच्छा है, लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं है। आई एम दानुश्री। आई एम शहलिया। एंड विच सिटी? आई एम फ्रॉम बैंगलोर, कर्नाटका। केरला। केरला। पर मैंने आपको बताया कि यहाँ के किचन फैसिलिटी के बारे में, ये किचन है, इसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है यहाँ पे? नो, सारा ये हॉस्टल फीस में ही। सब कुछ मिलता है क्रीमिया में? सब कुछ मिलता है, इंडियन खाना भी मिलता है। पढ़ाई के अलावा भी आपको सारा स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो भी है सारा चीज यहाँ प्रोवाइडेड है, और ये सारा हॉस्टल के अंदर कैंपस में। हेलो, नमस्कार, कैसे आप लोग? मेरा नाम है विकास। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के बनाया जा रहा है जिनका बहुत सारा मेरे पास मैसेज और क्वेरीज आता था कि सर हम क्रीमिया में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं मेडिकल कॉलेज में तो कैसे लें, यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो इन सवालों का जवाब मैं लेकर के आया हूँ आपको, और वो भी यहाँ के जो सबसे पुराने, आप स्टूडेंट कह लीजिए जो बहुत सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, डॉक्टर अजय। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ उनसे। सर वेलकम। ये हैं डॉक्टर अजय जो कि यहाँ पे पिछले 40 ईयर्स पे, और ये स्टूडेंट भी रह चुके हैं यहाँ पे, और अभी करंटली यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो यही बताएंगे आपको कि इस कॉलेज का क्या क्या फैसिलिटी है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे और प्रोवाइड करते हैं ये लोग। सर प्लीज़। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय, काफ़ी साल से यहीं पे रहता हूँ, फैमिली भी है, और मैंने यहाँ फिनिश किया, पढ़ाई किया हूँ, फिनिश भी किया हूँ। एक्चुअली मैं सर्जन हूँ, लेकिन आजकल मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ काम करता हूँ पैरेलली, पार्ट टाइम जॉब एज ए सर्जन। महीने में एक बार टू टाइम्स ड्यूटी होता है। मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि यहाँ का नेचर और यहाँ का फैसिलिटीज मैक्सिमम आप लगेगा जो आप लोग पढ़ रहे कश्मीर में, 8 महीने से 9 महीने से तक आपको इंडिया ही लगेगा, इसलिए मैक्सिमम इंडियंस यहीं पे आता है, यहीं पे पढ़ता है। और फैसिलिटीज़ के लिए कहता हूँ कि यहाँ 6 हॉस्टल्स ऑलरेडी यहीं पे है, और हॉस्टल्स जैसे चाहो वैसे आपको फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है। रिसेंटली नया हॉस्टल भी खुला है, वहाँ तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जाना चाहता है, लेकिन स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए इसलिए थोड़ा दिक्कत पड़ेगा, लेकिन सब कॉन्ट्रैक्टर्स मिलकर हम लोग, जो मेरा पार्टनर से है और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर भी है, कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट्स को अच्छी तरह फैसिलिटीज मिले। ज़रूरी है सर ये, और अच्छा ज़रूरत है। हाँ, और अभी जैसे बताया सर ने हॉस्टल, तो मैं आपको हॉस्टल भी दिखाऊंगा। पहले हम लोग चलते हैं यूनिवर्सिटी और देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्लासेस कैसे चलती हैं यहाँ पे। जैसा बताया कि सर हैं ही हमारे साथ तो प्रॉब्लम कुछ होगी नहीं, तो चलिए अंदर चल के आपको सारी चीज़ दिखाते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग है जो कि मेडिकल सर, इस स्पेशली फॉर मेडिकल। हाँ, ये एक्चुअली बिल्डिंग पूरा मेडिकल, पहले जब मेरा टाइम पे क्रीमिया स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट होते थे, उसके बाद इसका स्टेटस बढ़ गया, क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया है, और 2014 से ये हमारा यूनिवर्सिटी अंडर क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी नेम ऑफ द गवर्नर्स की अंडर हो गया, इसलिए इसको कहते हैं मेडिकल अकेडमी। तो अभी गियोर्गिव्स की ये जो पूरा बिल्डिंग है या सिर्फ आपको मेडिकल के लिए ही मिलेंगे? सही, ये सर यूनिवर्सिटी है, इनके कई सारी चीज़ें और आती है ना। हाँ, इसमें एज ए मेडिकल स्कूल भी है, एज ए हमारा होता है मेडिकल नर्सेस के लिए। और अभी जैसा मालूम है आपका कोविड का सीन चल रहा है, तो उस वजह से कई सारी चीज़ें अभी भी बंद हैं, क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, तो फिर भी हम देखते हैं कोशिश करके कि अगर आपको हम एक आपको एक क्लास दिखा पाएँ। जैसे आप अंदर आते हैं तो विंटर में क्या होता है कि आप विंटर कोट, जूते ये सारे पहन के आने पड़ते हैं, तो वो गंदे होते हैं, वो आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से फिर आप अपना दूसरा जूता पहने जो कि जिससे आप कॉलेज के अंदर एंट्री करेंगे वो पहन के आप अंदर जा सकते हैं। एक्चुअली काफ़ी फर्स्ट यूनिवर्सिटी,
ये कैफे समर हॉलिडेज दस फाइव इज क्लोज्ड ओके ओके एंड ऑन द अगस्ट मेरे 25th ऑफ अगस्ट देयर स्टूडेंट्स तो दिस इज द कैफे ऑफ द यूनिवर्सिटी जो कि अभी बंद है क्योंकि समर हॉलीडेज चल रहा है ना हाँ इधर डिपार्टमेंट्स हैं और डिपार्टमेंट्स की ओर जा रहे हैं आगे लेक्चर और भी है यहाँ पे सारे फोटोज लगे हुए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के जो टीचर्स हैं उन सारों का ये लेक्चर हॉल है जो कि अभी बंद है फिलहाल जी सर समर हॉलीडे की वजह से यहाँ पे आपके जितने भी लेक्चर्स होने हैं क्लास के बाद प्रैक्टिकल क्लासेस अलग होते हैं और लेक्चर्स अलग होते हैं सर ये हर साल एवरी ईयर का अपना अपना सालों का जो प्रोफेसर आता है लेक्चर देता है उसे फर्स्ट ईयर ओके फर्स्ट ईयर अच्छा पूरा फर्स्ट ईयर एक साथ डिविजन ओके डिविजन होते हैं अच्छा सर यूनिवर्सिटी तो काफ़ी साफ सुथरी दिख रही है ये मेंटेनेंस है क्योंकि ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक्चुअली ओके अंडर क्रिमिया फेडरल यूनिवर्सिटी इसलिए साफ करना ही पड़ता है साफ रहना पड़ता है और दिखाना पड़ता है आप देख रहे होंगे कितना साफ सफाई मेंटेन किया गया है यहाँ पे मतलब रशिया में ना आपको जितने भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत वेल मेंटेन बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है और नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट और राइट साइड लेक्चर हॉल है ये दोनों डिपार्टमेंट्स का लेक्चर यहाँ हो रहा है और एक है माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर हॉल है ये ऊपर सेकंड फ्लोर माइक्रोबायोलॉजी यहाँ का क्रिमिया का वन ऑफ द फर्स्ट ये टॉप डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट वन ऑफ द प्रोफेसर उसका नाम था प्रोफेसर प्यातकिन उसका नाम नॉमिनेट हुआ नोबेल प्राइज नोबेल क्रिमिया नोबेल प्राइज के लिए यहाँ के माइक्रोबायोलॉजी के जो प्रोफेसर हैं उनका नाम नॉमिनेट हुआ था नोबेल प्राइज के लिए और इस फार्मा यूएसएसआर टाइम पे यहाँ माइक्रोबायोलॉजी पूरा यूएसएसआर से पूरा पढ़ते थे यहाँ की किताब के ये बात देखिए आप देखिए ये अच्छा यहाँ के कोई ये फाउंडर है क्या अजीर उच्चो नहीं उसका नाम पर हमारा यूनिवर्सिटी 1981 में यूएसएसआर टाइम पे उस टाइम का प्रेसिडेंट ब्रेजनेव को इसका नाम पर किया गया नामनेट किया गया अभी तक इसी का नाम पर चला है अब बड़े बड़े साइंटिस्ट जो पढ़े यहाँ काम किए वो आप देख सकते हैं सबका फोटो लगा फोटो अच्छा बच्चे बड़े बड़े फोटो लगा अच्छा इस कॉलेज से हाँ ये बायोकेमिस्ट्री वन ऑफ द टॉप साइंटिस्ट उस टाइम का दुनिया का वन ऑफ द टाइम ये प्यातकिन इसका नाम पर किताब में तो बहुत वास्ट हिस्ट्री रह चुका है इस कॉलेज का और यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोफेसर साइंटिस्ट डॉक्टर्स ये सारे पास आउट हैं सारे यहीं के यहीं के इनका जो भी फोटो दिख रहा है बड़े सारे अपने अपने डिपार्टमेंट्स के वेल क्वालिफाइड स्कॉलर्स जो दुनिया मानते हैं लोग को साइंटिस्ट साइंटिस्ट ये लोग का नाम पाइए प्रोफेसर कुशलवस्ती हिस्टोरी उस टाइम पे था अच्छा 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 और ये प्रोफेसर रेको आर्थोमेटो उस टाइम पे थ्रोमेटो था इसी का नाम पर ये लोग दो किताब क्रिमिया का अच्छा पढ़ते थे पूरा यूएस पूरा यूएसएसआर मतलब इनने ट्रामा का किताब लिखा था जो कि पूरे यूएसएसआर में आज भी पढ़ा जाता है सब में एक खास बात है एक कॉमन बात है ये सारे इसी कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं इसी मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं सर तो आप देख सकते हैं इस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स रह चुके हैं आज वो उनका नाम दुनिया में दुनिया में जी सर सर वहाँ भी लेक्चर हॉल है लेकिन ये ऑफिस ओके ये ऑफिस ऑफिस ओके ऑफिस और आगे लेक्चर हॉल आगे एंड में ना कितने सारे फ्लोर्स हैं सर इसमें एक्चुअली टू फ्लोर्स हैं ओके ये हर एक फ्लोर्स में अपना अपना डिपार्टमेंट्स का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स का और ये जो
जो लोग यूनिवर्सिटी वाले जो काम करते हैं ऑफिशियल्स वो लोग का अब उस टाइम लाइब्रेरी है बहुत बड़ा ओके 9 बजे से लेकर 8 बजे तक काम करता है जब आइए आप आराम से पढ़ सकते हैं यहाँ पे ना अच्छा स्टूडेंट कर रखे दिखाइए जो किताब चाहिए लेटेस्ट जो लेक्चर लेटेस्ट इवन कंप्यूटर्स भी है ओके वो आपको मिल जाएगा लेटेस्ट लिटरेचर आराम से पढ़ के प्रिपेयर करके जा सकते हैं क्लासेस तो यहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए भी स्पेशल लाइब्रेरी है आप आकर के यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं कभी भी तो मॉर्निंग 8 बजे से लेकर के शाम 6 बजे जो कि अगर स्टूडेंट्स को हॉस्टल में दिक्कत होती है सेल्फ स्टडी करने में तो यहाँ पर भी आके वो अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं हमारे मेडिकल एकेडमी का मेन बिल्डिंग है और यहाँ कुछ सब्जेक्ट के लिए भी लेक्चर्स भी होता है और इसे कुछ छोड़कर ऐसा वाला कम से कम 3-4 बिल्डिंग्स पे है स्पेशली वहाँ भी लेक्चर्स और क्लासेस भी होता है और ऑफकोर्स हर एक हॉस्पिटल में अपना लेक्चर हॉल भी है इसलिए वन ऑफ द फर्स्ट ये इस यूनिवर्सिटी को उस टाइम पर माना गया रिकॉग्नाइज किया गया मैक्सिमम सब कंट्रीज ओके अभी अंडर क्रिमिया फेडरल यूनिवर्सिटी इसको लेकर और पूरा दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है और सर इसके हॉस्पिटल्स भी तो कई सारे होंगे काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं हर एक सब्जेक्ट अपने हॉस्पिटल अभी और बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ठीक है तो ये देखा आपने ये था पूरा यूनिवर्सिटी का टूर जो सर के हेल्प से हम लोगों ने आपको दिखाया है और सर ने खुद एक्सप्लेन किया है तो आप मान सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो लेवल है कितना ज़्यादा है तो अभी चलते हैं आपको हम दिखाते हैं यहाँ का जो स्पोर्ट्स कल्चर है क्योंकि रशिया में स्पोर्ट कल्चर एक ये लोग का ब्लड में है हाँ ब्लड में है तो यहाँ हर एक आदमी यहाँ को स्पोर्ट्स मैन है स्पोर्ट्स कल्चर भी आपको दिखाते हैं अंदर चल करके ये भी हम लोग आपको जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर का कैंपस है उस पर हम लोग ऐसे वॉक कर रहे हैं दिखा रहे हैं चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पर देख सकते हैं हर जगह ग्रीनरी वगैरह वगैरह यहाँ पे नेचर का सर बहुत ध्यान रखा जाता है क्या बहुत अच्छा सिक्योरिटी भी है हाँ आपको कहीं भी जाओ सिक्योरिटी मिलेगा पूछेगा आप लोग कहाँ कैसे और हमेशा आपको ग्रीनी नज़र आएगा क्योंकि यहाँ अच्छा तरह सिक्योरिटी लोग काम करते हैं अब कई सारे मेरे पास सवाल आते हैं सर हाँ। लड़कियों को लेकर के कि गर्ल्स के लिए रसिया खासकर क्रिमिया सेफ है कि नहीं तो इस पर सर आप अगर उनको क्लियर कर दें कि लड़कियों का यहाँ पे क्या फैसिलिटी है उनके लिए तो उनके मन के डाउट्स भी ख़त्म हो जाएंगे यहाँ सिक्योरिटी मैंने पहले बता दिया नॉट ओनली गर्ल्स बॉयज़ के लिए भी बहुत अच्छा सिक्योरिटी है 11 बजे तक आप लोग का एंट्रेंस है 11 बजे तक रात को एंट्रेंस करना मुश्किल पड़ेगा ओके ऑफ कोर्स स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ वो लोग भी कोशिश करेंगे हाँ कैसे एंट्रेंस कर से 11 बजे के बाद होता है कभी कभी लेकिन ये हमेशा ये पुलिस वाले और सीनियर्स वाले देखते रहेंगे क्यों लेट है कैसा हुआ क्या हो रहा है जी सर ये आजकल सेकंड हॉस्टल पूरा बना रहे लेडीज हॉस्टल के लिए लड़कियों के ओके तो दूसरा हॉस्टल भी है लेकिन स्पेशली सेकंड हॉस्टल बना रखें कि और अच्छा सिक्योरिटी हो और ये टेरिटोरी यूनिवर्सिटी में है ओके तो जो पेरेंट्स आप देख रहे हैं ना जैसे सर ने बताया अभी कि लड़कियों के लिए एक स्पेशल हॉस्टल होने वाला है नेक्स्ट ईयर से सर सितंबर से मतलब जो अभी अगस्त चल रहा है मतलब इस सेशन से लड़कियों के लिए एक स्पेशल हॉस्टल होने वाला है तो लड़कियों के लिए डरने की कोई बात नहीं है आप आ सकते हैं आपके लिए बिल्कुल सेफ रहने का व्यवस्था सेफ इन्वायरमेंट और सर वैसे भी रशिया में तो सर लड़कियाँ ज़्यादा हैं रशियन लड़कियाँ ज़्यादा हैं हाँ तो लड़कियों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे हाँ लेकिन इंडिया में पॉपुलेशन कौन सा लड़कियाँ आके है कि मर्दों का इसलिए वो भी आ सकते नो प्रॉब्लम तो
देखा। और अभी हम आपको हॉस्टल दिखाएंगे चल करके वहाँ पे। अच्छा सर, यहाँ पे कुकिंग के लिए जैसे होते हैं बच्चों का डाउट होता है, हाँ। कि खाने का क्या सिस्टम होगा? खाने के लिए आजकल हर एक फ्लोर में किचन है, okay। कुछ स्टूडेंट्स में कमरे में बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये अलाउड नहीं कर रहे हम लोग यूनिवर्सिटी वाले भी, क्योंकि ये खाने बनाने के बाद सब स्मेल भी आता है कपड़े से और पूरा बुक्स भी इवन स्मेल आता है, इसलिए टीचर्स भी अच्छा लगता है ये क्या हुआ क्या क्या हो रहा है, वो लोग पसंद नहीं करते हैं। ये हरे फ्लोर में किचन रूम से आराम से बनाइए, बस ख़त्म। तो कुकिंग आप यहाँ खुद से कर सकते हैं? नहीं तो बाहर में टाइप ऑफ इंडियन कैफे भी है, वहाँ भी और एक बनने वाले हैं, वहाँ खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इंडियन कैफे भी है यहाँ पे, हाँ। जो रीजनेबल प्राइस है, रीजनेबल प्राइस, हाँ। तो कई लोगों को प्रॉब्लम होता है उनको खाना इनिशियल डेज में, फर्स्ट ईयर में जब बच्चे आते हैं तो उनको कुकिंग का प्रॉब्लम होता है। एक महीने खाइए आराम से, उसके बाद आप देखिए आप खुद ही बना सकते हैं और सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं, सीख सकते। नहीं तो कैफे में और कैफे में कह रहा हूँ और कैफे बना रहे इंडियन कैफे, जब टाइम नहीं तो वहाँ जाके खाइए, इस मामले में कोई आपको नहीं रोक पाएंगे। और आसपास मेडिकल यूनिट के सामने बड़े बड़े सुपर मार्केट्स हैं, आराम से आप शॉपिंग कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, इस मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, मार्केट्स बगल में हैं, कैफ़े बगल में हैं, इंडियन कैफ़े बगल में हैं, आप बिल्कुल मतलब आपको खाने का कोई टेंशन नहीं लेना है यहाँ पे। सही। और सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स मेनली क्रीमिया में है। क्रीमिया में है, ऐसा कितने स्टूडेंट होंगे यहाँ पे इंडियन? मिनिमम 2000 स्टूडेंट। 2000? इवन मास्को में नहीं है और सेंट पीटर्सबर्ग में नहीं है। 2000 बहुत बड़ा नंबर होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलेज में 2000 स्टूडेंट होना इज़ अ बिग डील सर। टू मच कभी कभी लगता है ये छोटा भारत है, मिनी इंडिया। हर स्टेट्स में यहाँ स्टूडेंट्स है, कोई भी स्टेट से वहाँ यहाँ स्टूडेंट्स मिलेगा आपको, लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज ए बिग फैमिली यहाँ के बड़े बड़े फ्रेंड्स बन जाते हैं। जैसे आपको बताया था कि आपको हॉस्टल दिखाएंगे, हम आ चुके हैं हॉस्टल नंबर 2, राइट सर? वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट हॉस्टल। नया हॉस्टल भी है लेकिन अभी कोविड को लेकर के हर जगह एक्सेस नहीं है, बट जहाँ पे अभी आपको इंडियन स्टूडेंट मिलेंगे और जहाँ रहते हैं हम आपको वो दिखाते हैं अंदर से। और इस स्टेशन से सर ये सिर्फ लड़कियों के लिए हो जाएगा, हाँ, फ्यूचर में, हाँ, फ्यूचर में ये पूरा हॉस्टल डेडिकेटेड टू गर्ल्स। सो लेट्स गो इनसाइड एंड देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं अंदर। ये हॉस्टल का एंट्रेंस है और यहाँ पे एंट्री करने के लिए ये स्टूडेंट हैं यहाँ पे। विच ईयर? सेकंड ईयर स्टूडेंट। व्हाट इज योर नेम? भास्कर। भास्कर, तो ये भास्कर है सेकंड ईयर के हैं और हॉस्टल के अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पे स्टूडेंट कार्ड दिखाना पड़ता है। सो स्टूडेंट कार्ड मैं आपको दिखा दूँ, ये स्टूडेंट कार्ड है, यहाँ पे आपका सारा डिटेल होगा, फोटो होगा जो प्रूफ करता है कि आप यहीं के स्टूडेंट हैं। सेट जो आपको दिख रहा है ना वो कैफे है। ये कैफे है, आज बंद है, यहाँ पे आप खा सकते हैं आकर के। ये हॉस्टल का कॉरिडोर है और चल के आपको अभी अंदर रूम दिखाते हैं। अभी चलते हैं एक गर्ल स्टूडेंट के रूम में, देखते हैं कि उनका रहने का क्या सिस्टम है यहाँ पे, कैसे रहते हैं वो लोग, और उनसे आपको हम बात भी कराते हैं, थोड़ा उन्हीं से पूछेंगे सारा सवाल यहाँ के सेफ्टी के इशूज, जो सेफ्टी और जो भी पैरामीटर्स यहाँ पे फॉलो करने होते हैं वो आपको बताएंगे सारा चीज़। हाय सर, what is your name? My name is Monica Dagur and I am from UP, Noida, and I am studying in 5th year. So, yeah. तो ये मोनिका हैं, 5th year में अभी हैं यहाँ पे।
और ये आपका रूम अकेले रहते हो आप यहाँ पे? नहीं, मेरी दो रूममेट और हैं जिनमें से एक अभी इंडिया गई है हॉलीडेज के लिए और एक अभी है नहीं। अच्छा, हम यहाँ पे आपसे बेसिकली ये पूछेंगे कि लड़कियों के लिए इस कॉलेज में और इस हॉस्टल में क्या क्या चीज़ें सेफ्टी इशूज के बारे में, बहुत सारे लड़कियों को डाउट होता है। नहीं, सेफ्टी का ऐसा कोई वो नहीं है, ये हॉस्टल सेफ्टी के इश्यू से बहुत अच्छा है, लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली लड़कियों का क्या होता है कि उनको रहता है कि वॉशरूम कैसा होगा या फिर मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ऐसा। वॉशरूम यहाँ के बहुत अच्छे, मेनली जो सेफ्टी का बहुत सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को इधर। हमें सिर्फ अपना हॉस्टल कार्ड दिखाना, कोई भी अगर हॉस्टल में एंटर करेगा तो उसको हॉस्टल कार्ड दिखाना होगा, विदाउट हॉस्टल कार्ड नो एंट्री इन हॉस्टल। सो सेफ्टी इट्स ऑल ओके। कितने बजे तक लास्ट एंट्री होती है हॉस्टल में? हॉस्टल में तुम एंटर कर सकते हो रात को 11 बजे तक, 11 बजे के बाद नो एंट्री। ओके, और सुबह को 6 बजे के बाद आप लोग हॉस्टल से निकल सकते हो। ओके, और क्लासेस कितनी दूरी पे है यहाँ पे? क्लासेस टिल थर्ड ईयर क्लासेस सारी कैंपस में हैं, बट आफ्टर थर्ड ईयर हमें थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो उसके लिए हमें हॉस्पिटल्स में जाना होता है, तो वो ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ सिंपल बस पकड़ो और 5 या 10 मिनट की दूरी पे हॉस्टल्स हैं, तो वहाँ पे। ओके, जैसा मोनिका ने बताया कि थर्ड ईयर तक आपको सारे जितने भी क्लासेस होंगे वो कैंपस के अंदर ही होने वाले हैं, और थर्ड ईयर के बाद जनरली हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप मेडिकल परस्यू कर रहे हो, MBBS कर रहे हो, तो प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, और वो हॉस्पिटल में ही होगा, क्लासेस में तो हो नहीं सकती, तो उसके लिए आपको हॉस्पिटल थोड़ा सा दूर, मतलब 10-15 मिनट। क्योंकि थर्ड ईयर के बाद सारे सब्जेक्ट्स मोस्टली प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल टिल थर्ड ईयर तक रहता है, तो उसके लिए हमें हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। अच्छा, तो ये हो गया था सेफ्टी, और अब फैसिलिटीज आप बताएं कि आपको रूम में क्या क्या प्रोवाइड कराया जाता है। रूम में हमें सारी चीज मिलती है, बेड, टेबल, चेयर, अलमारी। okay. बस हम लोग को अगर जरूरत है तो फ्रिज खरीद लो अपना, माइक्रोवेव खरीद लो अगर तुम्हें वो करना है तो मतलब आपको इंडिया से ऐसा कुछ लेके नहीं आना है? इंडिया से कुछ भी नहीं लेके आना है, बस अपने कुकर ले आना। और तो सब कुछ इधर मिलता है, टेबल है ही पढ़ाई के लिए, एवरीथिंग। अच्छा, कितने लोग रहते हो आप लोग एक रूम में? ये रूम 3-सीटर है। अच्छा, तो हम तीन लोग रहते हो। तो पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, कुछ नहीं। हर किसी के लिए पर्सनल टेबल, चेयर और बेड? अच्छा, बेडशीट्स वगैरह सब मिलती हैं। बेडशीट का क्या है कि अगर 1 वीक के अंदर हमें चेंज करानी होती है, हमें धोने की भी खुद जरूरत नहीं है, सिर्फ चेंज कराओ, न्यू बेडशीट ले आओ, तो बेडशीट वगैरह धोने की जरूरत नहीं है। और कपड़े वॉश के लिए आप लोग क्या करते हो? वो अपना चॉइस है, यहाँ पे लॉन्ड्री भी है, अगर आपको नहीं धोने हैं खुद से तो आप लॉन्ड्री में दे सकते हो, या खुद धोने हैं तो खुद भी धो सकते हो, तो लॉन्ड्री सिस्टम भी है। हाँ, मतलब बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी, वो पढ़ाई करने आया अपना पढ़ाई करे, बाकी सारा चीज कॉलेज और हॉस्टल ये इनके अंदर फैसिलिटीज मिल जाएंगी। हाय, हेलो हेलो एवरीवन, व्हाट इज योर नेम? यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आई एम दानश्री। आई एम शहलिया अवशिका। And which city? I'm from Bangalore, Karnataka. Karnataka. I'm from Kerala. 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 And this is your room. Yes. It's looking pretty good, clean, neat and clean. And you guys are facing any problem regarding safety and everything? No, nothing. No. We are all safe and fine here. Fine, huh? Yes. Okay. And which year? First year. Stepping into second. Stepping into second year. तो ये भी नए बच्चे हैं. Second year के हैं सारे. And how? How is Russia for you? Yet to explore. Yet to explore. Yeah, yet to explore. तो हमारे साथ एक और student जुड़ गई है यहाँ से. What is the name? पद्मिनी. पद्मिनी. तो पद्मिनी third year, right? Yeah. तो ये third year में है और ये मोनिका से तो आपने मिली लिया, 5th year student है. पद्मिनी, आपको बताएगी यहाँ के किचन फैसिलिटी के बारे में, अगर आप यहाँ पे कुक करना पड़ेगा खुद से तो कुकिंग के लिए किचन का क्या फैसिलिटी है यहाँ पे, और कितने बजे तक ये खुला रहता है? किचन होता है मतलब 10 o'clock तक खुला रहता है, और मतलब यू कैन कुक इन किचन एंड यू कैन यूज योर प्लेट का और एनीथिंग इन द किचन एंड इट्स अवेलेबल अप टू 10 आई थिंक। ओके, अप टू 10। और मॉर्निंग में कितने बजे खुल जाता है? मॉर्निंग एट 7:30। अच्छा, आपको कितने टाइम बनाते हो खाने दिन में? टू टाइम्स। तो मतलब अगर आपने रात में बनाया तो ब्रेकफास्ट वही कर लेते हैं जनरली, तो स्टूडेंट ये करते हैं क्योंकि सुबह क्लासेस होती हैं। कितने बजे से क्लासेस होते हैं आपकी? 8 बजे से ना, तो ठीक है, चलते आइए आपको कॉमन एरिया दिखाए।
ये कॉमन एरिया है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, ग्रुप स्टडी कर सकते हो बेसिकली अगर आप चाहते हो तो। स्टडी रूम है। अच्छा, ऊपर स्टडी रूम भी है, यहाँ पे कपड़े वपड़े सूख रहे हैं बच्चों के। तो ये किचन है, इसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है यहाँ पे? नो, सारा ये हॉस्टल फीस में इंक्लूड है। हॉस्टल फीस में इंक्लूड है। और एक फ्लोर पे कितने किचन हैं? यहाँ पे दो किचन है। दो किचन और हॉस्टल ही हमें यहाँ पे प्लेट का प्रोवाइड कराता है, तो कोई हमें खरीदने की जरूरत नहीं है कि अपना प्लेट का खरीदो, नहीं, हम इस पे ही कुक करते हैं। अच्छा, तो अगर आपको खरीदना है तो आपको पर्सनल खरीद सकते हो। अच्छा, अगर आपको पर्सनल खरीदना हो तो आप खरीद सकते हो, बट जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे फ्लेम्स हैं यहाँ पे, 3, 4, 4, 8, तो सही है। आराम से यहाँ कभी भी 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आराम से खा सकते इंडियन खाने, उसमें परोठे, बिरयानी और बिरयानी, नॉन वेज, वेज, नॉन वेज, सब कुछ में, सब कुछ देख रहे हैं जैसे आप लोग। और आलू पराठा भी हमने ऑर्डर किया है और दही साथ पराठा भी होता है, मूवी पंप है, ये भी दिखे जो पसंद है वो ऑर्डर कीजिए, बस आपको 5-10 मिनट में आराम से सब कुछ। प्राइस, अच्छा सर प्राइस का क्या है इसमें, रीजनेबल प्राइसेस? ये सूटेबल है स्टूडेंट्स के लिए, इतना कॉस्टली नहीं है। अच्छा अच्छा, बस हफ्ते में 2 बार आराम से कर सकते हैं। कर सकते हैं, तो मतलब ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, ये सब कुछ मिलता है क्रीमिया में, सब कुछ मिलता है, इंडियन खाना भी मिलता है, अगर आप नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पे वंस इन अ डे इजीली खा सकते हैं आकर के। तो अभी हम लोग आलू पराठा का आनंद लेते हैं सर के साथ। कंट्री सॉन्ग का ये फंक्शन हॉल बना, फंक्शन हॉल है या फंक्शन बन सकता है, ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना, हर यूनिवर्सिटी का भी, हाँ, ये एक तरह से आप समझ लीजिए मेडिकल कॉलेज का, यहाँ पे आपको एकेडमी का, हाँ, एक तरह से ड्रामा थिएटर, ड्रामा थिएटर, हाँ, जैसे। तो यहाँ पे सारे फंक्शंस आपको यहीं पे होंगे और उसके पीछे आपको नजर आएगा कि अभी भी दिखाएंगे, वहाँ स्पोर्ट्स हॉल है, वहाँ बास्केटबॉल, ये स्विमिंग पूल भी है, वहाँ खेल पे स्टेडियम है, वहाँ क्रिकेट भी खेल सकते हैं, स्पोर्ट्स एवरी एरिया, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं, इंडियंस के लिए, स्पोर्ट्स के लिए नो प्रॉब्लम है। तो आपको भी स्पोर्ट्स, जो भी स्पोर्ट का हॉल है, गेम खेले जाते हैं, हम चल के वो आपको अभी दिखाते हैं, उसमें सर बास्केटबॉल होगा, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल, इवन क्रिकेट, क्रिकेट और स्टेडियम है, एवरी वीक खेलते हैं इंडियंस, तो एवरी ईयर हम बनाते हैं यहाँ टूर्नामेंट बिटवीन इंडियंस। जो बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, मतलब जिनके दिमाग में ये डाउट रहता है कि वहाँ पे स्पोर्ट्स रसिया में किस टाइप का होगा, क्रिकेट हम खेल पाएंगे कि नहीं, तो ये सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये हमारे साथ 3 भाई हैं, ये हैं ब्रजेश, भास्कर, शिवम, और तुम लोग सब क्रिकेट खेलते हो? या, हाँ, तो ये लोग सब क्रिकेट खेलते हैं, ये आपको बताएंगे यहाँ पे कि कैसा फैसिलिटी है क्रिकेट खेलने का। ये क्रिकेट यहाँ हमेशा होता रहता है, आपको खास करके छुट्टियों में, क्रिकेट आप हमेशा खेल सकते हो पर छुट्टियों में टूर्नामेंट यहाँ हमेशा होता है, तो टूर्नामेंट होता है, 8-10 टीमें कभी कभी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, और हर एज ए कभी भी CPL IPL टाइप का भी फॉर्मेट में होता है, कभी कभी नॉर्मल भी हम लोग खेलते हैं, 10 ओवर का गेम्स होते हैं, और हम लोग अदर गेम्स भी खेलते हैं जैसे कि जिसको फुटबॉल पसंद है फुटबॉल भी खेल सकता है, बैडमिंटन टूर्नामेंट भी होते हैं यहाँ, बास्केटबॉल टूर्नामेंट भी होते हैं, और यहाँ काफ़ी स्पोर्ट्स के लिए बेसिकली बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट भी पीछे देख रहे हैं, अभी भी बिल्कुल चल रहा है, अभी क्रिकेट की तैयारियाँ चल रही हैं, टूर्नामेंट होने वाला है रिसेंटली इसका, अगर यहाँ पे पढ़ाई के अलावा भी आपको सारा स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो भी है सारा चीज़ यहाँ प्रोवाइडेड है, और ये सारा हॉस्टल के अंदर कैंपस में, हाँ बिल्कुल, मेन पार्ट मेन ये बात है इसमें कि आप ये देख लो, ये देख लो आप ओपन ग्राउंड यूनिवर्सिटी का, हाँ, और ये क्लोज्ड है ये वाला, तो ये आउटडोर हो गया, हाँ, और ये बगल में इंडोर है, इंडोर स्टेडियम, इसमें बास्केटबॉल वगैरह भी खेल सकते हैं, ऐसे बास्केटबॉल या टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्विमिंग पूल भी अंदर, स्विमिंग है जो इंटरेस्ट है तो स्विमिंग पूल वगैरह, जो भी इंडोर में जो भी गेम्स आते हैं वो सारे, बाकी आउटडोर में आप क्रिकेट हर चीज खेल सकते हो, फुटबॉल यहाँ होते हैं, शाम को स्टार्ट होगी तो भी वीकली वंस अपना स्पोर्ट्स क्लास भी होता है, वहाँ जाके खेल सकते हैं अपन। तो हम लोग आ गए अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर,
ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इंडोर गेम्स के लिए। अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और कौन कौन से गेम्स के लिए यहाँ पे चीज़ें बनी हुई हैं। सर प्लीज़ इसके ऊपर अभी दो फ्लोर है, इसके ऊपर भी है और ये नीचे भी है पूरा, बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह सारा चीज़ अंदर है, स्विमिंग पूल भी बनना स्विमिंग पूल पर दूसरा कॉम्प्लेक्स में, दूसरे कॉम्प्लेक्स में भी है। और ये चलते हो स्टूडेंट्स विंटर में कपड़ा पहनकर जैक पहनकर कोट पहनकर आते हैं, फिर इधर से दूसरा रूम में चेंज करके चल जाते हैं, अपना चले जाते हैं। वाह, तो सर स्टेडियम लग रहा है। इंडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम। ये हमारे मेडिकल अकेडमी का, क्रिमिया फेडरल यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम है। स्टेडियम है यहाँ आप वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं और फुटबॉल भी खेल सकते हैं, बास्केटबॉल भी, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल। और यहाँ बैठ के आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं लोग, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल अकेडमी स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली मेडिकल एकेडमी स्टूडेंट्स के लिए। हर एक यूनिवर्सिटी अपना अपना होता है लेकिन ये काफ़ी साल पुराना है, साल से बना कर रखा गया स्पोर्ट क्लब। तो आप देख रहे हैं मतलब यहाँ खेल कूद काफ़ी पूरा ध्यान रखा गया है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। तो देख सकते हैं तो इनका क्या कहते हैं जो यूज़ इनका कॉम्प्लेक्स है पूरा, अंदर जो पूरा सारा कंपाउंड है, आपको इस कंपाउंड के अंदर ही सारी चीज़ मिल जाएगा, हॉस्टल, यूनिवर्सिटी और ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। बगल में आपको दिखाया मैंने फील्ड आउटडोर के लिए जहाँ क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हाँ आउटडोर फुटबॉल खेल, फुटबॉल खेल सकते हैं। और आपको यहाँ पे बगल में सर इंडियन कैफे भी है, हाँ और इंडियन कैफे, हाँ, चाय नाश्ता, हाँ वहाँ से कर सकते हैं आराम से, आराम से 10 बजे तक, रात सवेरे 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, रात आराम से खा सकते हैं। तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, लड़कियाँ भी हैं आराम से कॉम्प्लेक्स के अंदर घूमे, लड़के भी हैं आराम से अंदर ही, सब हॉस्टल वगैरह सारा फैसिलिटी है। मैं चाहता हूँ कि इंडियन स्टूडेंट्स, मेनली इंडियन स्टूडेंट्स, उसके बाद कहीं तक दूसरा कंट्री हो लेकिन अनकंकरेबल ये पढ़ाई में ध्यान दीजिए, और जितना अच्छा पढ़ाई करोगे उतना अच्छा काम करोगे, इतना अच्छा कमाई करोगे, ये आपका टैलेंट दिखाना चाहिए कहाँ भी कैसे भी, ये कश्मीर से हो, कन्याकुमारी से हो, बॉम्बे से हो, नहीं तो कलकत्ता से, वो बात नहीं है, इवन मिडिल इंडिया से नहीं है, पहले पढ़ाई कीजिए, ये आप लोग हमारा इज्जत है, हम हमेशा यहाँ आप लोग के लिए रह गया एज ए पेरेंट, अ बिग ब्रदर, सब के लिए, कोई भी कोई प्रॉब्लम हो, एडवाइस चाहिए, हम हमेशा उसको सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, फॉर मेडिकल यूनिवर्सिटी से। थैंक यू सर टाइम देने के लिए आपका, और उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स को जो आपने गाइड किया है वो उनको हेल्प करेगा, स्पेशली पेरेंट्स को जो उनको डाउट होते हैं वो उनके क्लियर हो। हाँ तो घबराना नहीं है, यहाँ पे एज ए पेरेंट आपको सर मिलेंगे, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो थैंक्स, थैंक्स टू सर, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये सारा चीज़, ये जो जितना भी चीज़ हम लोगों ने आपको दिखाया है, और जो भी डिटेल है वो मैं आपको अभी शेयर कर दूँगा। थैंक यू सर, धन्यवाद आपको भी जो आपने बुलाया आपको, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। तो देखा आपने, ये था रशिया का वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज क्रिमिया फेडरल यूनिवर्सिटी, और बेस्ट हो भी क्यों ना, क्योंकि इस कॉलेज का जो MCI पासिंग रेशियो है वो अमोंग रशिया या फिर सेंट्रल एशियाई के जितने देश हो जाए इन सब में से सबसे ज़्यादा है। और अगर बात करें इस कॉलेज के फ़ीस के बारे में, सेशन 2021 इसका फीस ऑलमोस्ट आपको 20 से 22 लाख के आसपास पड़ जाएगा इंडियन रुपीज़ में, जो कि बहुत सस्ता ऑप्शन है, क्योंकि रशिया में और भी कई कॉलेजेस हैं जहाँ पे फीस आपको 30 लाख से स्टार्ट ही होते हैं, 20-22 लाख एक इतने अच्छे रेपुटेटेड कॉलेज के लिए उतना ज़्यादा नहीं है। और एक सबसे अच्छी बात जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि सर इस कॉलेज में हमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा या फिर रशियन या फिर बायलिंगुअल, तो उनके लिए मैं बता दूँ क्रिमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में जो भी एजुकेशन आपको मिलेगा वो फुल्ली इंग्लिश मीडियम होगा टिल 6 ईयर, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, 6 साल तक आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स के साथ। और यहाँ का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसके लिए इस कॉलेज को, इस यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा अवार्ड मिला हुआ है। तो
यहाँ का एजुकेशन बहुत बढ़िया है, आप आ सकते हैं, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। जो भी फीस स्ट्रक्चर है वो आपको नीचे आ रहा होगा, वेबसाइट का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप उस पर कॉन्टैक्ट करें, आपको सारा डिटेल ए टू जेड प्रोवाइड कराया जाएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी नाम आ रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। आप आएँ इस कॉलेज में, आपको बढ़िया गाइडेंस मिलेगा। आपको किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आती है तो यहाँ आपको हमारी रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे जो कभी भी 24/7 आपके लिए अवेलेबल हैं। आप कांटेक्ट करें, नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। आप जाएं, पूछें, इंक्वायरी के लिए हमारा वेबसाइट ओपन है, आप वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं। तो बस इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे इसी तरह से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।